नमस्कार, मैं वरुण श्रीवास्तव। बिलासपुर, बिल्हा और कोटा तीन ऐसी सीटें हैं जो उन 18 सीटों में शामिल हैं जिनकी घोषणा अभी कांग्रेस ने नहीं की है। बाकी की 15 सीटों की बात बाद में, फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में। सबसे पहले बहुत ही रोचक बात आ रही है सामने, बिलासपुर, कोटा और बिल्हा को लेकर। कल अगर शाम तक, कल यानी कि सोमवार की शाम तक लिस्ट जारी हो गई होती तो बिलासपुर से अशोक अग्रवाल, कोटा से शैलेश पांडे और बिल्हा से जागेश्वरी वर्मा का नाम फाइनल है। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ और आज भी ऐसा अभी होते नहीं दिख रहा है। अभी हाल ही में ये पता चला है कि भूपेश बघेल बिलासपुर से अटल श्रीवास्तव के लिए अड़ गए हैं और करुणा शुक्ला बिल्हा से राजेंद्र शुक्ला के लिए अड़ गई हैं। ऐसे में एक बात समझ में साफ आ रही है कि कोटा एक सीट लगभग तय है, लेकिन वहां भी एक पेच आ गया है। वो पेच अपुष्ट और सूत्रों के मुताबिक ही कहा जा सकता है कि वहां पर रेणु जोगी की मुलाकात सोनिया गांधी से संभव है। ऐसे में अगर इस शीर्ष स्तर पर अगर भेंट होती है तो इसके परिणाम भी बहुत रोचक आ सकते हैं। यानी कि जो शेष 15 प्रदेश की जो 15 और अन्य सीटें जहां फंसी हुई हैं, जहां कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है, उन पर चर्चा बाद में। सिर्फ इन 3 सीटों को लेकर के घमासान मचा हुआ है। बताया जाता है कि टीएस सिंहदेव बहुत कूल होकर के अंबिकापुर पहुंच गए हैं। वो कल पुष्य नक्षत्र में अंबिकापुर से फॉर्म भरेंगे। टीएस सिंहदेव की बॉडी लैंग्वेज और उनका जो व्यवहार है उससे ये नजर आता है कि वो पार्टी के अंदर बहुत शक्तिशाली बनकर उभरे हैं। भूपेश बघेल जी का जो कार्य है और जो व्यवहार है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें थोड़ी सी आशंका है। जो अक्रॉस दी स्टेट अभी तक जो 72 सीटें डिक्लेयर हुई हैं, उनमें डोमिनेंस भी टीएस सिंहदेव का नजर आया है। यानी ये कहा जा सकता है कांग्रेस के अंदर कोई अगर शक्तिशाली बनकर उभर रहा है कोई एक नेता, तो टीएस सिंहदेव। बहरहाल ये विश्लेषण है जो हम बाहर बैठकर कर रहे हैं। अंदर की बात क्या होगी ये अलग विषय है। इसलिए इस विश्लेषण में किसी भी तरह की कोई भी चीज को बहुत ही प्रामाणिकता के साथ नहीं कहा जा रहा है। ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप जरूर देखिएगा कि बिलासपुर और मुंगेली की 9 सीटों पर आखिर सीधे मुकाबले किन किन लोगों के बीच में है या किन किन पार्टियों के बीच में है। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।